Krishna, 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 Krish
से उतारे। Time.
मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा रे अर्पण तेरा, तेरे समर्पण क्याला ये मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे बने। हरिओम शांति 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 ओम प्रभो। इस तरह भगवान कृष्ण की, गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु, ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु, ओम नमो भगवते वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय नत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम, कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णः शरणौ मम, श्री कृष्णः शरणौ मम, श्री कृष्णः शरणौ मम। हम इन दिनों अपने ही कल्याण के लिए बड़े आदरमान एवं विशेष सत्कार पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। इन दिनों इस साई क्लीन की शुभ संगत में ये श्री गीता जी का अंतिम मोक्ष संन्यास योग अठारवा अध्याय सार रूप में ये या निचोड़ रूप में ये अध्याय गए। सजनों और देवियों, जो कुछ हमारे जिंदगी के एकमात्र पथ प्रदर्शक यानी रहनुमा ने कहा पीछे सारा अध्याय तक या निचोड़ रूप में हमें बताया और समझाया जा रहा, इसलिए मैं प्रेम पूर्वक प्रार्थना करूंगा, बड़ी एकाग्रता के साथ श्रवण कीजिए और भगवान से बारंबार प्रार्थना कीजिए, क्योंकि मैं समझता हूँ यार जितने जीव प्रभु प्रेरणा से आती हैं अपने कल्याण के लिए आते, हम समय काटने के लिए नहीं आते, अपने कल्याण की एक विशेष लालसा एक विशेष उत्कंठा लिए हुए भागे भागे आ जाते हैं, न देरी देखती है न दूरी देखती है, क्योंकि लालसा और उत्कंठा मन के अंदर एक विशेष प्रकार का उत्साह पैदा कर देती है। तो आइए मालिक फरमा रहे ये बहुत ही कमाल का गए, भगवान जी ताकत देंगे, इसे हम अपने रोजमर्रा जिंदगी में अंग बना लेंगे। यह है 58 श्लोक, इनकलाबी श्लोक माना जाता है, बहुत ही कल्याणकारी 58 श्लोक, बहुत ही क्रांतिकारी, बहुत ही गुणकारी, बहुत ही उपादेय। मत चित्त सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् करिष्यसि अचेतो सभा। 56 नंबर है 56 का, सर्व कारवाणी अभी तदा कुर्वाना मद विपाश्य मत प्रसादा तवापनोति शाश्वतिं पदम आवयम। हरिओम तत्सत्, हरिओम तत्सत्, हरिओम तत्सत्।
जिस कदर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे रखे मदाम, वो रहमत पे मेरी समा जाएगा, सकूं बका मुझसे पा जाएगा। भगवान अपने श्रीमुख से हमारे जीवन का प्रोग्राम बता चुके, हम अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करें। भगवान ने आपको लंबा लंबी छूट दे दी, करें जिस कदर उस पे लाजम है काम, जो आप समझती है जरा एकाग्रता पूर्वक मेरे देवी, आप इधर उधर नहीं, एकाग्रता के साथ जरा सामने देखते हुए, जो आप समझती है भगवान ने आपको छूट दे दी कि ये काम करना है करो। भगवान कोई रिस्ट्रिक्शंस या कोई बाधा या कोई अड़चन या कोई संयम ही नहीं कह रहे, आप समझते ये काम करने योग्य करो, आप समझते ये मैंने करना है करो, भगवान कोई आपको रुकावट नहीं डाल रहे करो। शर्त ये है भगवान का सहारा लेकर, अपने अहंकार पर नहीं, कामना की चोट खा के नहीं, कामना की चोट खा के नहीं, राग द्वेष में जख्मी होकर नहीं, भगवान के प्रेम में भर के कार्य किया जाए। प्रभु जैसे प्रेम में भरकर आप सब में सुन रहे हैं, मैं मालिक के प्रेम में ओत प्रोत होकर के आपको वाणी सुना रहा। भगवान का हमारा कोई महाराज जी के लिए आप आए हैं और मैं ही अपने हजूर अनवर के लिए ही यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और आया, हम दोनों ही भागे भागे आया केवल मात्र भगवान को मुख्य रखते हुए। इसी संसार की जितने भी हमारे कर्तव्य कर्म है, कर्तव्य कर्म जो हम समझते हैं कि ये मेरे लिए लाजमी है, ऑब्लिगेटरी है, करें, ये आप ही निर्णय कर लो कि ये काम करने योग्य है तो मैं जरूर करूं। आप ही सोच लो मेरे बच्चे ये काम छोड़ने योग्य नहीं क्या, इस काम से मैं हाथ न खींच लू, नहीं, ये तो बहुत करने जरूरी है, करो, लेकिन भगवान का सहारा लेके। जब हम भगवान का सहारा लेके रहेंगे तो सिर्फ उस काम में दिल होगा। मैं आपको तीन चार बातें आज महापुरुषों को बताता हूं, अगर सिर्फ भगवान का सहारा होगा तो उस काम में मन होगा, काम के परिणाम की ओर मन नहीं जाएगा, पुरुषार्थ में हमारी वृत्ति होगी कि मैं बौद्धिक मानसिक शारीरिक रूप से जितना मुझसे बन पड़े मैं जुट जाऊं। भगवान ने तीन इक्विपमेंट या उपकरण या औजार दिए हैं, बुद्धि मन और तन, भूला नहीं, हम तीन औजार, तीन जो है टूल्स या तीन इक्विपमेंट, तीन उपकरण लेके आए गए, जानती है क्या, बुद्धि नीचे आ जाओ, मन और बाहर निकल आओ तन। इसी तरह इसीलिए हम लोग जुटेंगे बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जुट जाएंगे, अपने आप को लगा देंगे, आगे नहीं लपकेगा हमारा मन मेंढक की तरह लपकेगा नहीं, मैं इसलिए कर रहा हूं मुझे ये मिले, मैं इसलिए कर रहा हूं मुझे पदवी मिले, करोड़ों व्यक्ति इसलिए करते उनके सामने वो होता, वो पुरुषार्थ में मन नहीं लगाते, वो सिफारिशों में मन लगाती है, हेरा फेरी में मन लगाती है, रिश्वत में मन लगाती है, झूठ मकर फरेब में मन लगाती है, भगवान का प्यारा पुरुषार्थ में मन लगाता, उसे परवाह नहीं मुझे ये मिले, मुझे निज ना मिले, मुझे ये मिले ना मिले, मेरी सोनी सरकार मेरे पर खुश हो जाए, मेरे मालिक मेरे पर खुश हो जाए, आहा वो मेरे पर प्रसन्न हो जाए, मुझे इसकी परवाह कोई नहीं है, है इसकी मुझे रत्ती पर परवाह नहीं है, ये मिलना है कि मुझे वो मिला, ना 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 परवाह नहीं इस बात की। आहा हीरो राधे क्षमा करना, मैं अपने भगवान की बात को सुनाने के लिए कभी कभी मुझे इस मजाजी के आदर्श दृष्टांतों का सहारा लेना पड़ता है। हीर और राधा सुना तो है मुसलमानों में ये बड़े चोटी के आदर्श प्रेम वाले हुए थे, तो जैसे आप जानते हैं राधे के साथ हीर की शादी नहीं हुई, तो राधे ने भेष बदला, भेष बदल करके उनके गांव में पहुंचा, गांव में पहुंच करके क्या बनाया, बर्तन बेचने वाला बन गया, बर्तन फरोश, बाजार से बर्तन लाने बड़े अच्छे और सस्ते बेचने, परवाह नहीं घाटा पड़ रहा पड़न दे, परवाह नहीं मेरा कुंडा हो जाएगा वो जान दे, परवाह नहीं कि 10 दिनों के बाद रोटी नहीं देनी, चूंकि बाजार से तो ला रहा है महंगे और आगे बेच रहा है अभ्य भाव, बाजार से एक बर्तन लाया रुपए का बेच दिया आठ आने का, तो गांव टूट पड़ा, अरे तू कहां से लाता है रे, उसके मन में ये नहीं था कि नंबरदार आए फलाना आए ये आए वो आए, उसके मन में था कि मेरी हीर यहां ब्याह हुई है, कभी ना कभी आएगी तो सही ना, मैं ये तो कह सकूंगा हाँ क्या गजब का धोखा दिया तूने, बर्तन बेचना तो मेरा बहाना है, मैंने तो तेरे साथ दो चार बातें करनी थी, कभी ना कभी तो होगा रश कम हो जाएगा और वो सिर सरी जो है वैदे टूटी, कभी तो मेरे से आगे एक बात करेगी तो मैं करूंगा, कितनी बेवफाई की तूने मेरे साथ, रब के बेवफाई की शर्म नहीं आती, घर में तेरे इतने घड़े और घड़े पर छूनिया छूनिया में डाल पानी और मैं भी डोम मरा तू भी डोम मर, क्या क्या वैदे किए वो क्या बना वो वैदे प्यार वफा हुआ क्या, तो बड़ा रश हुआ, इर्द गिर्द गांव वाले भी आए करते कराते बनते बनाते, आकर वो दिन भी उसका आ गया, आहा कि वो आई सारी सारी बात कर ली हो गया, लंबी चली बात तुम्हें कह रहा हूं, जो राजा बीत रहा है बर्तन नफे के लिए नहीं, अपनी गृहस्थी चलाने के लिए नहीं, सिर सरी के साथ मत्था मारने के लिए,
वो सिर सरी इसलिए चुके धोखा दे के आ गई, उसके साथ मत्था मार रहा था जोर का, वे तेरा भी सिर फुटे मेरा फुटे नहीं फुटे कम से कम मोटा मोटा, यहाँ पर वो गुड़ुम तो जाएगा गुड़ुम। तो मिलने के लिए सरकार का प्यारा भी किसी राजा की भावना से वो जुटता है, जो भी कर्म कर्तव्य समझता, लेकिन फल के लिए नहीं, इज्जत के लिए नहीं, कुछ लेने देने के लिए नहीं, अपने भगवान की प्रसन्नता के। क्योंकि मालिक ने पीठ ठोक के अपने प्यारे को कहा है फकत मेरी खातर तो सब काम कर, मालिक ने बड़े प्यार से कहा है। तो मालिक के लिए यानी वो राजा बेच रहा है बर्तन घाटे में रुपए के लाके आठ आने की बेची जा रहा है, वो नवे नवे के लिए नहीं है, वो तो एक तरीका था अपनी महबूबा को एक साथ वार्तालाप करने के लिए। तो हम कहते भगवान का भक्त काम करते झूठ, भगवान का भक्त ये कर रहा है झूठ। क्या वो महाराज जी तो उसके लिए कहती है सहारा किसी का न ले एक पल, अमल उसका है ऐन करके अमल। अर्जुन जब कोई मेरा सहारा लेके जुट रहा है पूरे रुपए करता हुआ भी वो नहीं करता, कर्म में वृत्ति है ही नहीं, कर्म में वृत्ति नहीं, फल में वृत्ति नहीं, लेने में वृत्ति नहीं, देने में वृत्ति नहीं, मान में वृत्ति नहीं, अपमान में वृत्ति नहीं। अगर कुछ कर भी रहा है तो भगवान को सामने रखकर रिझाने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और दृष्टांत दूं, जैसे जवाई घर में आता है नया नया जवाई जिसकी शादी को 2 महीने 20 दिन हुए हैं, 2 महीने 20 दिन, चूंकि वो पहला फेरा हुआ फिर उसके बाद आई तो फिर वो लेने आया, अब लेने आया उसकी नजर कहीं भी नहीं हो श्रीमती पर है, वो उसके ऊपर है। अब चल रहा है कि नहीं, माँ कहती है कि कल का दिन मैं रुक रहा हूं ना, चल रही तो चल, मैं तो कल 1 बजे 20 मिनट बाद यहां से निकल जाऊंगा। अब वो अम्मा के पास जाएगी, अम्मा उन्होंने कल जरूर जाना है, मुझे कल भेज दे, पुत्र कल तो मैं भेज नहीं सकती। दुनिया क्या कहेगी, माँ मित्रेयी ने ऐतवार तोड़े हैं, माँ मित्रेयी ने मैनू ऐतवार, हमारे ये बड़ी बात आती है रविवार को बुरा दिन मनाती है कि माँ मित्रेयी ने मैनू ऐतवार मित्रेयी है मामा रविवार को भेजती है, खैर वो पुरानी बातें हमारे वक्त की है। तो दुनिया ताने मारेगी पुत्र आज, वो तो कहते मैं कल चला जाऊ ना। अब उसकी दृष्टि सिर्फ श्रीमती पर है, वहां पर उसके साले भी हैं, सालियां भी हैं, सास ससुर है, सब कुछ है, लेकिन नहीं दृष्टि उसके ऊपर है। भगवान के प्यारे की दृष्टि कर्म में नहीं है, दृष्टि भगवान पर है। किस तरह मैं सोनी सरकार को खुश कर दूं, कभी कभी वो रो के भी कह देता है तेरी एक नजर की बात है मेरे मालिक और मेरी जिंदगी का सवाल, कभी तो आपकी दया से भरी हुई दृष्टि मेरी ओर हो जाएगी। कर्म तो हमने किए, ये नहीं कि हमने कर्म नहीं किया, निठले नहीं बैठे रहे, हम मिट्टी के माधव नहीं बने रहे, हम गोबर गणेश नहीं बने, गोबर गणेश हम गोबर गणेश बन के नहीं बैठे, हमने मेहनत की है। लेकिन सच्ची बात है फल पे नजर रखकर हमने कर्म किया, लेने के लिए किया, बल्कि ये मन में ये आया कि कर्म थोड़ा करना पड़े मुझे मिले ज्यादा, ये थी हराम खोरी, ये थी भगवान की नजरों में गिरना कि मैं मिनिमम काम करके मैक्सिमम लू, ज्यादा मेरी इनपुट थोड़ी और मेरी आउटपुट ज्यादा, इनपुट थोड़ी अपने भाषा में कहेंगे आदान थोड़ा प्रदान ज्यादा, हाय हाय इसे बोलते हैं हराम खोरी, इसे बोलती है हराम खोरी। इनपुट यानी मैं आदान मिनट कम मारूं मिले मुझे बहुत ज्यादा, आदान कम प्रदान ज्यादा, इनपुट कम और आउटपुट ज्यादा। तो आप जीव दृष्टि होती है कितने खुश होते हैं जब नया कैलेंडर आता है, ओ मजा मजा, हाँ फरवरी के अंदर 6 छुट्टियां आ गई हैं, अब फिटने तो वो छुट्टियों की ओर देखेंगे जहां वो लाल लाल लगा हुआ है या लाल बॉर्डर बना हुआ, यार मजा मजा, और मार्च का महीना बड़ा डल महीना यार, 29 दिन जाना पड़ेगा फिटने साले, छुट्टियां मांगती है ये, लेकिन रब का प्यारा न छुट्टी मांगे ना हट्टी मांगे न टुट्टी मांगे, वो तो भगवान से प्यार मांगता है किए जा रहा करे जिस कदर, वो कभी तंग नहीं आएगा, वो जुटा रहेगा लगा रहेगा, गंभीर हो जाए तो हो जाए, वो भी किसी गैर के कारण से नहीं अपने कारण से बना रहता है, लेकिन किसी के कारण से नहीं, दुनिया वाले किसी के कारण से गंभीर होते हैं, यह अपने कारण से गंभीर होता है और मस्त रहता अपने आप पे। तो कर्म कर रहा है न करने के समान, ये मेरे भगवान ने मगर आसरा मुझे, अब हम दृष्टि को बदल गए, हम कल्याण का भी है, ये हो गया क्या, सांप भी मर गया लाठी बच गई। किसी को कहती है एक तीर से 2 शिकार खेलना, मुझे ये कहावत पता तो था, सुनी मैंने भी आपने, लेकिन ये पता नहीं था, हाउ हाउ इज इट पॉसिबल दैट आई मे टू किल टू बर्ड वन स्टोन, अब कर सकूं प्रैक्टिकेबल है ये, टू किल टू बर्ड वन स्टोन, टू किल एक पत्थर से 2 शिकार खेलना कैसे संभव हो, ये गीता बताती है कि अगर ये दृष्टिकोण रख ली जाए सिर्फ मालिक के लिए तो लोक भी बन गया पर लोक भी बन गया। ये एक तीर से 2 शिकार खेलना, एक तीर से 2 शिकार खेलना, ये कितना गजब भयो, ये कितना अच्छा हो गया, एक तीर से 2 शिकार खेलेंगे मेरी देवी। अगर इस दृष्टिकोण से मैं और आप जुट गए कर्म के अंदर, आप जुटना है लेकिन वो तो भगवान ने स्पष्ट कहा जहां मेरा देखोगे तुम एक पल के कोई भी फारग है और बेअमल, यानी बेअमल तो कोई रह नहीं सकता,
कोई कहे मैं अकर्मण्यता में लग जाऊं, अकर्मण्यता के अंदर कोई भी लग सकता, क्यों? दोनों ही फितरत के मजबूर है। जो ये तीन गुण है, मैंने कई बार पहले भी कहा, 14वां अध्याय साक्षी है, हर एक प्राणी के अंदर पिछले संस्कारों अनुसार एक ना एक गुण की प्रधानता हो। किसी में रजोगुण की प्रधानता, किसी में तमोगुण की प्रधानता, जहर किस्मत किन्हीं के अंदर क्या सत्व गुण की प्रधानता। अब ये गुण जीव को मजबूर करती है टू डू समथिंग और अदर। गुणों ही से फितरत, कोई कहने करता ही नहीं तो त्रिगुण अतीत होगा तभी तो नहीं करेगा। अगर गुणों में है तो बनाया है जो तेरी फितरत में धर्म कराएगी, फितरत वही तो इससे करो, वो तो करना ही पड़ेगा। हाँ, बीच में गुणों में रह करो कह रहे कर्म नहीं करता, ये हो नहीं सकता। मेंढक और कहे आज के बाद में फुदकूंगा नहीं, ये क्या वो ध्रुव बन जाएगा, क्या तपस्या करेगा? वो मेंढक और फुदकेगा नहीं, वाह। वो ग्रस्त आश्रम में अंदर गुणों के अंदर होता है, मैं कर्म नहीं करूंगा, भगवान कहते हो तुझे लाख रोके फरे बे ख्याल, करेगा तू नाचार कुंती के लाल। एक एक फरमान भगवान का एकांत में बैठ के बच्चों की टिक्कियों की तरह चूसने योग्य है। जैसे मीठी टिक्कियां मेरे सजनों में देवियों बच्चे चूसते, इस तरह भगवान के फरमान पर चूसना चाहिए। कर्म तो करेंगे पर कितना अच्छा हो अगर कर्म इस भावना से किया जाए, अपने मालिक का सहारा लेकर। क्या हमने सहारा ले लिया तो कर्म में दृष्टि होगी, कर्म जुटे होंगे, फल पर दृष्टि कोणी, सुख दुख में दृष्टि कोणी, मान अपमान में दृष्टि कोणी। इस कर्म में सुख होगा दुख, जब मुझे पता कि ये कर्म कर रहा है, सुख को दुख को मेरी बला से, मार मिले मजा मैं करना ही है, जब मैंने जुटता जब मैंने सोच लिया कि इस कर्म से मैं हाथ नहीं खींच सकता, ये कर्म मेरे लिए जरूरी है, लाजमी है, ये कर्म करना मेरे लिए इंडिस्पेंसिबल है, दैट मस्ट बी डन, फिर मुझे क्या परवाह। काम जो करना है हमको फिक्र हो उस काम की, ख्वाहिशें बेकार है तकलीफ की और रब की, तकलीफ आराम को मारो काट। जब हमने पहले ये सोच लिया मेरे सजनों में देवी को ये काम करना ही है, इस किए बिना पटेगी नहीं मेरी, तो बस बस विधान, फिर तो मैंने इसे एग्जीक्यूट कर दिखाना है, फिर तो मैं इसे जरूर कर दिखाऊंगा। फिर भगवान के प्यारे आप जैसे नेक जीव, हाँ पूरी जान लगा दे, जान भी जाती है शक बला से जाए, मस्ट बी डन इवन एट द कॉस्ट ऑफ लाइन, वो कर दिखाएंगे, उन्हें करना है उस काम को, परवाह कोई नहीं, क्या होना क्या नहीं होना, क्योंकि मालिक का सहारा, यानी फल की ओर नजर नहीं। जो वृत्ति या अटेंशन या एकाग्रता या मानसिक शक्ति फल पे जानी थी वो तो कर्म में लग गई। बड़ी जब फल पर दृष्टि होती है तो मन के दो भाग बन जाती है, कुछ भाग रह जाता है परिश्रम के अंदर यानी मेहनत के अंदर, काफी भाग रह जाता है, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसी बात बनेगी ना बना तो फिर क्या होगा, ये सारी मेहनत मेरी बेकार जाएगी क्या, ये किया कराया मेरा खूब खाते जाए। ये तो भगवान के प्यारे से रब का सहारा लिया, ये कोई भी संकल्प नहीं आएगा। और रब्बा तू जानो उसका अंदर तो मन झूमत 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 गए, उसका मन तो अंदर ना पता ना पता ना पता गए, मेरा क्या बिगड़े, जो बिगड़े तो तेरा हो ना तो मेरा क्या बिगड़े, जो संवरे तो तेरा हो ना तो मेरा क्या संवरे। लूजर हो गए आप, गेनर हो गए आप, हम तो कर्म करने वाले, प्रेरणा देने वाले आप ही अपने श्री भक्त पाठ पढ़ा रहे हो, वसीला बन देर कर, वसीला बन देर कर, हम तो इंस्ट्रूमेंट है, ओ लॉर्ड कृष्णा वी आर योर इंस्ट्रूमेंट इन दाई हैंड। बस उसे क्या है, लूजर भगवान गेनर भगवान, लाभ है उनका, हानि है उनकी, कोई इस पर वरी नहीं, कोई चिंता नहीं है, कितना सुंदर। ओ नाथ मेरा क्या बिगड़े, मैं कोई स्वार्थ के लिए कर रहा हूं, ओ नाथ मेरा क्या समरे, कोई स्वार्थ है ना, मेरा स्वार्थ इस साइड पर है ना मेरा उस साइड पर है, मैं तो सेंटर में हूं। कभी घोड़े को देखा, घोड़े ये टांगे चलाने वाले साइज को, ये टांगे का ड्राइवर को कैसे चलाता है आपने गौर से देखा, ये उसके हाथ में बागी होती है दो, एक घोड़ा तो दो बागी होंगी, हाँ दो बागी खींचे जा रहा है और घोड़ा हवा के साथ बातें किए जा रहा है। कभी देखो उसको दाई ओर है घोड़े को घुमाना है तो दाई बाघ इधर कर लेगा, ये बाघ है ना ये बाघ दोनों है तो यूं कर लेगा, घोड़ा यूं मुड़ जाएगा। अगर उसको इधर लेना है तो इधर की बाघ लेगा, घोड़ा समझ जाता है यूनिवर्सिटी ट्रेंड है, यूनिवर्सिटी ट्रेंड आईटीआई से पढ़ के आया है, आईटीआई से डेढ़ साल लगा के आया, उसे पता है कि कैसे मैंने चलना है और इसके बाद सर्टिफिकेट भी है, घोड़े को सर्टिफिकेट मिलता है आईटीआई से, क्या रोड मास्टर, रोड मास्टर का सर्टिफिकेट मिलता है, कौन सा सर्टिफिकेट, नाउ घोड़ा बिकम्स रोड मास्टर, आज ये रोड का मास्टर है, चलना फिरना इधर घूमना इधर घुमाना, तो ये और अगर उसने ना दाई और मोड़ा सीधा तो फिर दोनों भागे, चलो पुत्रा चल चल, यू खींचेगा आगे 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 खींचेगा, इधर नहीं इधर नहीं, रब का प्यारा अपने मन की डोर सिर्फ आगे आगे खींचता, चल प्यारे चल चल, ना मुझे दाई मुंडा ना मुझे भाई मुंडा, ना मेरा स्वार्थ है ना मेरा कोई और है, ना मैं लेना ना देना, ना धी देनी ना नौ लेनी, ना धी देनी तो ना नौ लेनी, चल
ऐसा से सरिया रब का प्यारा है क्या मतलब कुछ नहीं है परमात्मा के लिए किए। नजर भी आता है कि दिन रात एक ही जा रहा है, नजर भी आता है खून पसीना एक ही जा रहा है, नजर भी आ रहा है कि अपना एक अंग थकाया जा रहा है, लेकिन कोई स्वार्थी कोई नहीं। परमात्मा कहता है शब्बाज ले जा बाजी, भगवान के तख्त को ऐसा आपकी कसम हिला गया जिसे दुनिया न हिला सकी। हाँ वो भगवान के तख्त को हिला देता, बल्कि पट्टी भी लिख लो, जिसे दुनिया न हिला सकी वो भगवान के तख्त को हिला देगा। वो धन के लिए नहीं, किसी प्रलोभन के लिए नहीं, मान के लिए नहीं, ये वो के लिए नहीं, किसी से प्रसन्नता लेने के लिए नहीं, कहीं फोटो खिंचा के अखबार में छपाने के लिए नहीं। ये आमतौर पर उनको सेवा का भाव नहीं होता, मारी फोटो आ जाना चाहिए ताकि मारे आ रहा हमें पता लग जाए कि बंसीलाल कुछ ना कुछ करता कराता रहता है। वाह वाह बंसीलाल, राम राम। वह होना चाहिए, कहीं ना कहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं मुझसे बात बन जाए, वेरी गुड। तो वो लेकिन रब के प्यारे भी ये भाव ही कोई नहीं, ये खाली नहीं है, वो तो उसकी दृष्टि अपने मालिक पर है। जो है कुछ नजर तो उसी की नजर, ये नजर नहीं बल्कि वो नजर जो मालिक पे लगी हो। आंखें ऊपर उठी तो दुआ बन गई। एक शर्मा जी उस दिन सवेरे सेवा हो रही थी, फरमा रहे थे कुछ मेरे शब्द इधर उधर हो जाए तो कोई मैं कह नहीं सकता, भाव आपको प्रकट करता हूं। अरे आंखें ऊपर उठी तो दुआ बन गई, और जो नीचे झुकी तो हया बन गई। ये आंखें भी कमाल की है, अगर ऊपर उठी तो दुआ बन गई और अगर नीचे उठी तो शर्म आ गई। हया कहते हैं शर्म को, इसलिए बतराम कहते हैं बड़ी बेहया है तू, बे लगा दिया यानी बेशर्म, बड़ा बेशर्म है तू यानी बेहया। यही आ नजर ऊपर उठी तो दुआ बन गई, यही नीचे झुकी तो हया बन गई है, अरे यही तिरछी हुई तो अदा बन गई। अगर आप तिरछी हो गई तो बड़ी अदा से देख रहे हैं भाई, अदा हो गई। ये खासकर इन्होंने ठेका ले रखा है मेरी बेटियों ने, यही तिरछी हुई तो अदा बन गई, और आंखें पीछे हुई तो कजा बन गई। अगर ये पलट गई तुम्हारी ओम तक, नजर नजर भी ऊपर उठी तो दुआ बन गई, नीचे झुकी तो हया बन गई, और जरा तिरछी हुई तो अदा बन गई, और जरा पीछे हुई तो कजा बन गई। आंखें तो एक ही है ना, हाय आंखें एक ही है, देखना कुछ और है, आंखें दिखाना कुछ और, आंखें दिखाना और आंखें देखना और आंखें लगना और आंख लगना अंत कितने शब्द हुई है, मेरी आंख लग गई अर्थात नींद आ गई, और आंखें लगना अर्थात प्यार हो गया किसी के साथ, आंखें चार हो गई, और देखना आंखों से काम लिया जा रहा है, और आंखें दिखाना क्रोध करना देख लाऊंगा तुम्हें, तो कितने पानी और मैं कितने पानी, और यार क्यों आंखें दिखा रहे हो, और तभी की दिखावा जूता दिखावा, यानी नजर नजर में इतने क्रिया क्रिया में, ये क्रिया तो एक जैसी नजर आती है लेकिन किस स्टैंड ऑफ माइंड से कर रहा। आंखें तो एक ही है पर जरा ऊपर उठे नीचे झुके दाई ओर जाए और जरा उल्ट जाए तो बस बड़ा अंतर आ गया। कर्म तो है, वी आर ऑल वर्किंग, लेकिन किस ट्रेंड से। हियर इज द मेन पॉइंट टू बी डिस्कस्ड एंड टू बी मेडिटेटेड ओवर, टू बी कंटेम्प्लेटेड, टू बी थॉट ओवर अगेन एंड अगेन। कर्म तो हम सारे एक जैसे करती है लेकिन कर्म के पीछे भावना क्या है, रहे किस्मत ये भाव हम सब में जागृत हो जाए मालिक के प्रेम में भरकर, जैसे हजूर अनवर कह रहे हैं हो गई जो है सुगति, जी की सुगति हो गई जब ये भाव बट गया, क्या मगर आसरा मुझे रखे बदाम, करे जिसके दर उस पे लाजम है काम। कोई भगवान ने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, ये करो वो करो जो मर्जी आपकी, मालिक का सहारा लेकर। मालिक का सहारे का मतलब फल पर कोई नजर नहीं, इस उसके को नजर नजर इधर नहीं जाएंगी उधर नहीं जाएंगी बल्कि नजर हमेशा ऊपर रहेंगी। मालिक प्रेरणा दे रहे हो, मैं हूं पतंगे कागजी या डोर तेरे हाथ में, चाहे उधर घटा दिया चाहे इधर बढ़ा दिया, पतंगे कागजी हूं, मर्जी आई तो मुझे धागा देगी जा, मर्जी आई तो मुझे धागा पीछे करके हाँ फेंका जा अपनी ओर लिया। पतंग उड़ाने वाला अगर धागा देता जाएगा तो पतंग आकाश से बातें करेगी, अगर पतंग वाला अपने धागे को चरखड़ी पर लपेटा जाएगा तो पतंग उसके पीछे आती चली जाएगी। वो तो पतंग तो उड़ाने वाले के हाथ में है, भगवान का प्यारा भगवान के हाथ में है, जैसे वो प्रेरणा दिए जाए किए जा रहा है, करे तस्लीम खम है जो भी जाए यार में आए, कोई अपनी कामना वास्ता तो है ही नहीं, कोई अपना लेना देना तो है ही नहीं। जैसे मेरी अच्छी बेटी की शादी होती है, हाँ सीधे पूछती है माँ आज मुझे क्या करना है, बेटी जी
श्रीमान मिलेगा, श्रीमान जी आज मुझे क्या पहनना है जिसमें आपको प्रसन्नता होती है मुझे बता जा, कौन सी साड़ी कौन सा कपड़ा ये वो वगैरह वगैरह क्या करना है मुझे आज, जिसमें आपकी प्रसन्नता आपने लिया हुआ नहीं है, जैसी सास ने कह रही है ये करना ये, हाँ जी जरूर, जैसे श्रीमान जी ने कह दिया ये पहनना है वो मेरे साथ जाना, मैं आऊंगा 1:30 बजे आऊंगा, पहले ही आप मुझे रेडी मिलना, हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा जी, ऐसे ही बिल्कुल, बस स्कूटर स्कूटर मेरा साथ सुन करके जरा आइलिंग विलिंग कर दे रहा, ऐसे ही होगा सरकार, बस वर्ल्ड टू वाइड सफिशियंट दानाओं के एक इशारे काफी होती है, बस अपने लिए नहीं है, अगर वो आजकल की बहू ना हो कुछ रंग चढ़ा हुआ हिंदू धर्म का, तो बस मैं इनके लिए आई हूँ, इस परिवार के लिए आई हूँ, या इस श्रीमान मनोरी के लिए आई हूँ, मनोरमा हूँ मनोरी के लिए आई हूँ, तो इसे मैंने हर प्रकार की खुशी देनी है, रब का प्यारा इसी तरह वो अपना जीवन काटता है परमात्मा के लिए, परमात्मा अब मैं तेरे लिए हूँ, ओ मेरा नाम जोगा, ओ मेरे परमात्मा अब मैं ना इस जोगा ना उस जोगा, मेरे श्याम सुंदर अब तो पूरा रूपेण मैं तेरे जोगा, अब तो जरूर मैं तेरी जोगा, फॉर योर सेक, नॉट फॉर दिस नॉट फॉर दैट नॉट फॉर माय सेक बट फॉर योर सेक, ये केवल मात्र आपके लिए, आपके लिए आहो रख रहा हूं ये दम फकत आपकी खातर, आ जाएंगे तो मिल जाऊंगा आपके आपकी खातर, और अगर नहीं आएंगे तो निकलेगा एक रोज ये दम आपकी खातर, केवल आपकी खातर सह जाता हूं जुल्मो सितम केवल आपकी खातर, सांस लिए जा रहा हूं वो मेरे सनम केवल आपकी खातर, हाय हाय केवल आपकी खातर, मां बाप औलाद की खातर, देश भगत देश की खातर, शाबाश शाबाश ये मिनिस्टर इज्जत और रुपए की खातर, और भगवान का प्यारा केवल भगवान की खातर, केवल मात्र आपके लिए, ये होता सहारा भगवान का, उसके मन में कोई इच्छा ही कोई नहीं मुझे ये मिले कुछ भी नहीं, आए आए कुछ भी नहीं, दुनिया वहां तक काम करता है, मेरी शादी होगी मुझे तनख्वाह मिलेगी मुझे इज्जत मिलेगी मुझे ये हो जाएगा मेरा वो, हर समय जब तक नींद नहीं आती इधर उधर के हवाई कीड़े खड़ा करता रहता है बेटी, वो खाली पलाव पकाती रहती है जब तक नींद नहीं आता, एक पढ़ी लिखी ग्रेजुएट ग्रेजुएट, हाँ आज की ग्रेजुएट कभी बनती है स्लेट और कभी बनती है चॉकलेट, ए ग्रेजुएट और रब दा प्यारा, रब दा प्यारा ना चॉकलेट बने ना स्लेट बने, हाँ ना मंजी दे हेठ बने, चिंता रोला पिता ना मंजी दे हेठ, ग्रेजुएट मंजी दे हेठ, और वो क्या होता है वो आनंद, कोई उसके अंदर लापसानी तमन्ना नहीं, प्रेरणा देता है भगवान, किए जा रहा है बनाया जा रहा है, सहारा जिसने मालिक का ले रखा है, जिसने अपने भगवान का सहारा, आप टटोलते रहो, कर्तव्य मैंने भी करने हैं, कर्तव्य आपने भी करनी है, लेकिन सीने के पीछे भगवान को लेकर, अब हमारे सीने में गरमाहट धन की नहीं, इज्जत की नहीं, मान की नहीं, पत्नी को देख के नहीं, पति को देख के नहीं, या कोई और चीजें रख रुक के नहीं, या शराब का घोट भर के गरमाहट नहीं है हमारे अंदर, या आपको देख करके मन में मिठास नहीं आती, कहीं कहते हम तो आपको देख करके हाँ अमृत की घूंट पीते गए, लेकिन परमात्मा का प्यारा, परमात्मा के प्यारे में गर्माश क्या है, यकीन से जो रखती है तीनों को घर, भगवान के प्रति उनको श्रद्धा है, भगवान के प्रति उनके प्रेम भक्ति जागृत है, इसलिए उनका मन गर्म रहता है, उनकी छातियां गर्म रहती है भगवान के प्रेम में, आहा महाराज जी की मोहब्बत में, महाराज जी के नाम में, मृत्यु मालिक में लगी रहती है, और वो भगवान के फरमान को चार चांद लगा रहे हैं, क्या मुझे याद है अर्जुन बाहर रंग कर लिए जा मेरा नाम, और जिंदगी कश्मकश में लगा हुआ, याद रखिए जिंदगी फूलों की सेज नहीं है, जो फूलों की सेज कहती है वो बुद्धू आज भी मरे तो कल भी मरे, जिंदगी फूलों की सेज नहीं, भगवान चाहती भी नहीं कि फूलों की सेज बने, जिंदगी क्या कांटों की सेज है, जिंदगी कश्मकश का नाम है, जिंदगी स्ट्रगल का नाम है, वो जो स्ट्रगल से घबरा गए आत्महत्या के अंदर मर गए, उन्हें पता जानती कब आत्महत्या की जाती है, जब कोई स्ट्रगल से कश्मकश से संघर्ष से घबरा जाता है, किसी को इतराज हो खड़े विषय, किसी मेरे भाई को इतराज हो, मैंने वो बातें बतानी है जो आपको चाचा ताया मामा कोई नहीं बताएगा, जो भगवान और भगवान की चोटी के प्यारे रिसर्च करके रख गए हैं वो खजाना मैं आपको दे रहा हूं, और अली बाबा 40 चोर के पास तो मंत्र था खुल सम सम, मेरे पास एक ही मंत्र है नमो भगवते वासुदेव, इस मंत्र से जो रिसर्च मुझे मिलती है खजाने के ऋषियों खजाने से मैं आपको दे आता हूं, मेरे पास खुल सम सम नहीं क्या मोती निकालू हीरा निकालू पन्ने निकालू, और ये मेरे पास तो महामंत्र है उसकी बदौलत जो मेरे ऋषि मुझे दे देते हैं आपकी झोली में डाल जाता हूं, देख लीजिएगा आत्महत्या कब होती है जब आदमी संघर्ष से घबरा जाता, किसी प्रकार का उसका संघर्ष छिड़ा हुआ हो, जो है व्यक्ति का संघर्ष हो पारिवारिक संघर्ष हो सामाजिक संघर्ष हो
या अपने धन संबंधी संघर्ष हो, विद्या संबंधी संघर्ष हो, कहीं शादी चलानी या करनी है तो लव अफेयर चल रही है, वो प्रेम व्यवहार चल रहा है, उसमें संघर्ष में घबरा गया, तब सब जी कर क्या करेंगे, जब दिल ही भगवान करे दिल टूटे ना, क्रैक ना हो, और उनका नहीं क्रैक होगा जो लगे रहती है, जुटे रहते हैं, बस संघर्ष का नाम। और ये भी हमारा संघर्ष है, पर इस संघर्ष में रस है, इस संघर्ष में मजा, इस संघर्ष में पूर्ण उम्मीद है, पूर्ण उम्मीदी है, पूर्ण आशा है। बाकी संघर्ष में हो सकता है कि आशा ना हो सकता है, बात सिरे चढ़े या ना चढ़े, लेकिन इसमें तो ना चढ़ने का सवाल ही कोई नहीं, क्योंकि हिम्मत है मर्दा मदद कन्हैया, भगवान उनकी पूरी सहायता करती है, जो अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। ये बड़े मजे की जिंदगी है, बड़े सवाल की जिंदगी है, अपना पुरुषार्थ किया और परमात्मा के चरणों में कह दिया, तो नहीं हो वस्तु गोविंद तुम्हें समर्पिय, दाता शक्ति आपने दी थी और मैंने कर लिया, आपके चरणों में समर्पित, लेने वाले आपके समर्पित, श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। बहुत अच्छी जिंदगी जो बताई नहीं गई, मैं समझाई नहीं गई, बड़ा मजा है, बड़ा मजा है, बहुत मजा है। आम के आम और गुठलियों के भी दाम, आम के आम गुठलियों के भी दाम, वाह वाह वाह, ओ बड़ी मजा, ओ बड़ी मजा, ये तो बड़ी मौज हो गई। ये तो वो काम हो गया जैसे सपेटे वाले मशीन रख के करती है, वो सपेटे वाली सब चीजें बिक जाती है, और सब कुछ बिक गया यार, सब कुछ, और करीब भी बिक गई, परमात्मा का प्यारा ना अलग ना थलग, पूरा रपेन अपने मालिक के सहारे होकर जिए जा रहा, पूरा रपेन, उसका मन सेंट्रलाइज है, रब के प्यारे के बिना किसी का मन सेंट्रलाइज नहीं सकता, परमात्मा का मन के प्यारा के सेंट्रलाइज है। एक प्रश्न करता है, ये कैसे मुमकिन होगा भगवान का साले कर्म करना? हाँ, कभी पनघट पे जाइए और पिनहारियों को देखिए, घड़े भर लिए, दो घड़े सिर पर है, हाँ एक घड़ा या दो तीन घड़े सिर पर है, एक घड़ा बगल में है, जब देखिए जरा, और घाघरा पहन रखा है और निराली चाल है और गप्पे भी मारती जा रही है, फिर क्या बना, फिर साथ में चंद्री ने क्या कहा, फिर चंद्री ने क्या कहना था, आप बार चलेगी बार मेरी मार दी चंद्री, ऐसी मेरी सास चंद्री, तो फिर खोला किसने, मैंने खप मचाई, हाँ श्रीमान आ गया, उसने मारा जूता, अपना जोर का ताला टूट गया, समय बाहर आ गई है, तो वो बातें भी कर रही है घर की बातें, लेकिन दृष्टि सारी घरों के अंदर है, कि घरों का तवाजन खराब ना हो जाए, कोई हिल ना जाए, ये सब बातें हो रही है, सर रब दा प्यारा कर्म कर भी रहा है लेकिन उसकी दृष्टि रब की तरफ, जैसे पिनहारन की दृष्टि अपने घरों पर है, इसे रब के प्यारे की दृष्टि या मन अपने मालिक में जुड़ा, इसे बोलती है, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे रखे मदाम, सारा अपने परमात्मा की तरफ है, वो अपने मालिक की तरफ है, शाबाश शाबाश शाबाश, पूरा सहारा भैया, पूरा सहारा, आहा पूरा का पूरा ही सहारा अपने मालिक की तरफ। दुनिया वाले एब्सेंट माइंड होती है, खोए हुए, पता नहीं क्या बनेगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या बनेगा। अभी मेरे को 2-3 साल की बात है, आपको इंटरेस्टिंग बात सुना दूं, एक भाई मुझे मिलने के लिए आए, मिले, श्रीमती भी साथ आई, साइकिल पे आए थे, तो अपनी कुछ चिंता घर में थी, बाहर निकले, मैं भी जरा हवा खोने के लिए बाहर आ गया, जरा घूमना शुरू किया, अब वो चले गए, वो जब पहुंचे जीटी रोड के परे, हाँ तो गप्पा मार रहे थे, तेरी कितनी बार तक है, तो तू कर ले, अब घर जाएंगी पर ये कर ले, बाबे ने तो ये बता दिया, अब ये कर गया, वो कहता जब मैं मोड़ मुड़िया, हाँ पीछे घरवाली कोई नहीं, हालांकि यहां से गया तो राम जी की दुकान से गप्पा मारी शुरू कर दिया, और घर पहुंचेंगी ना, पहुंचे पर ये करने, फिर वो तो आगे जाने, मैं तो जाना आगे, मैं तो और काम करेंगे, रस्ते में छोड़ देवंगा, वो क्या, वो जब साइकिल पे चढ़े आप श्रीमती को बिठाए, श्रीमती तो यही खड़ी है, यानी इतना मन एब्सेंट है कि ये पता ही कोई, श्रीमती को बिठाया दिया है कि नहीं, वो बेचारी वही रुई जा रही है, अपना सर से कपड़ा करके, कभी इस आंख से आंसू गिरने कर उससे, तो मैंने पूछा देवी तुझे क्या हुआ, तू खड़ी रह गई, तो वो चले गए, पता नहीं मत मारी कि मुझे बिठाया तो है ही कोई, थोड़ी बेर जनाबी आ गई, अरे चली गई, चराया किसका बाप मुझे, बेकर बड़े फिरती है, पता नहीं क्या घोट पीती है उसने, बिठाया आपने मुझे, मैंने बिठाया कुछ, रस्ते में गला जो करता पे आंसू, हे रब्बा मेरा, तो जो मैं रस्ते में गला करता गया वो, यानी जनाब को यह भी नहीं पता कि इतनी मोटी श्रीमती का बोझ पीछे है कि नहीं, काका फोन पता लगता है, साइकिल उलार होता है, उलार उसको उलार के पता कुछ मैंने बिठाया कि नहीं, दुनिया वाले तो कभी एकाग्र हो ही नहीं सकते, ये मेरे जीवन में पहली घटना थी कि श्रीमती को बिठाया कुछ रस्ते गप्पा मार रहा है, उसे पता ही बोझ नहीं पता के साथ है भी सही कि नहीं, वो पीछे रखा भी है कि नहीं, शाबाश,
लेकिन भगवान के प्यारे का मान एक दिन जो केंद्रीय भूत कहती जो करती है खालिस, और खालिस का मतलब जो यक दिल हो जी में न रखे दुई, उनमें दुआई सही नहीं, उनको फटकर कोई उनका इधर उधर है नहीं, लालसा नहीं है, इसलिए मेरे रब हमारे परमात्मा कह रही है करे जिस कदर उससे लाजम है काम, लेकर मन करके आसरा मुझ पे रखे बदाओ, मन तो अपने मालिक के साथ है ना, इसलिए उनकी इच्छा नहीं कोई नहीं। परमात्मा करवा रही है, कर भी जाएंगे दुनिया के लिए बहुत भले काम कर जाएंगे, बहुत गुणकारी काम कर जाएंगे, लेकिन सारा अपने मालिक का लेके, सारा अपने हजूर का लेके जुट रही है, ये बढ़िया अच्छा। फिर कोई ना संस्कार पड़ता है, ना कमन में कामनाएं बढ़ती है, ना तमन्नाएं बढ़ती है, जीव अपने आप में रहता है, संस्कार घटते जाती है, अंतःकरण निर्मल होता जाता है परमात्मा के दर्शनों के उत्तरा उत्तर, ये दिन प्रतिदिन क्या योग्य बन रहा है, बड़े अच्छी जीवन, ये तो काम भी हो गए और साथ परलोक भी बनता गया, भगवान के दर्शनों का योग भी बनता, ये तो बहुत अच्छा, ये तरीका तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर है। लोक बन गया, परलोक बन गया, दोनों जीव के बनते चले गए, शाबाश। ये 18वां अध्याय बता रहा है। फिर आगे भगवान कहती है मैं प्रसन्न हो जाता हूं जब ऐसा होता है सहारा किसी का जो है करे जिस कदर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे रखे मदा, वो रहमत में मेरी समा जाएगा अर्जुन, उसमें मेरी पूरी कृपा हो जाती है। अब मेरे से पूछा जाए पूरी कृपा का मतलब क्या, उसका मन एकाग्र हो जाता है, उसकी मन विक्षेप, उसकी विक्षेपता खत्म हो जाती है, उसके बुद्धि के अवर उतर जाती है। याद रखिए पूरी भगत गाते कही श्याम जी दी बोल कृपा, बोल कृपा, ओ बोलो बोलो बोल कृपा भाई श्याम जी दी बोल कृपा, एक अंग्रेज ने शब्द जोड़ लिया, भगवान की पूरी कृपा। पूरी कृपा का मतलब भगवान की पूरी कृपा के कारण से मेरे मल भी दूर हो रहे हैं, मेरे अवर्ण भी, विक्षेप भी दूर, मेरा अवर्ण भी दूर, तीन है अंतःकरण की गांठे, मल विक्षेप अवर्ण। मल जो है गंदे संस्कार, विक्षेप अंदर की भटकर, अवर्ण पर्दे। भगवान की प्रताप से, भगवान के भजन से ये तीनों उतर जाते हैं, ना मल रहता है, ना विक्षेप रहता है, ना अवर्ण रहता है, ये तीनों उतर। इसलिए मेरे भगवान ने कहा भी है, भगवान ने तीन दृष्टांत दिए हैं, क्या क्या क्या, जरा देखिए किधर देखिए कैसे, जय मैं आपको ले चलता हूँ चौथे अध्याय के अंदर या पांचवे अध्याय के अंदर, जहाँ भगवान ने ये तीन दृष्टांत दिए हैं, क्या जैसे शीशे की टुकड़ी गर्द गुबार से छिपी रहती है, ध्यान देना, जैसे शीशे की टुकड़ी, एक महीने के लिए आप हरिद्वार में गए, एक महीने के बाद आए, आपकी जो शीशे की टुकड़ी थी, हाँ श्रृंगार बक्ष था ऊपर लंबा नट श्रृंगार बक्ष, आपके वो देखने की लंबी टुकड़ी, उस पर गर्दो गुबार आया हुआ था, नजर नहीं चेहरा आया जब तक के आप सफेद कपड़ा लेके ऊपर के गुबार को उतारते ही नहीं। तो भगवान बड़े तीनों रिश्ता कर सबके, जैसे शीशे की टुकड़ी पर क्या मिट्टी आ जाती है, चेहरा नजर नहीं आता, जीव के मल के कारण से मैं अनुभव नहीं होता, जैसे धुआं अग्नि को छिपा लेता है, ऐसे मन में विक्षेप आने से मेरा दीदार नहीं होता, जैसे माँ के पेट के अंदर झिल्ली में बच्चा छिपा होता है, इसी तरह बुद्धि पे अवरण आने से मेरा दीदार नहीं होता। वारे मेरे भगवान कृष्ण कमाल, जैसे शीशे की टुकड़ी पर मिट्टी की तह जम जाने से हमारा प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, जैसे धुएं के बढ़ जाने से अग्नि नजर नहीं आती, जैसे माँ के पेट में झिल्ली में बच्चा हो जाने कारण से वो नजर नहीं आता, इसी तरह मल के कारण, छेद के कारण, अवर्ण के कारण मालिक हमारे नियरेस्ट डियरेस्ट होते हुए अनुभव नहीं होते। जो मालिक खुद अपने श्रीमुख से कह रही है सुनर्जन में हूँ आत्मा दिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकी, वो हजूरे अनवर, वो शहनशाह, वो हमारे सरताज, हमारी जिंदगी के रहनुमा, वो मालिक के कुल, वो रब्बुल आलमीन, इतने नीरस होते हुए, हाँ जिसको मेरे गुरुदेव ताना मारा करते थे, आचा मा कर दे मर खुद, फारसी जाने वालों जरा रस ले लो, आचा मा कर दे मर खुद, हेच ना बीना ना कर, दर्मी आने साहेब गुम कर दे साहेब खाना रहा, पर जो जुलम हमने अपने साथ किया हेच, अफसोस की बात के अंधा भी अपने साथ नहीं करता, अंधा भी अपने द्वारा रखी गई चीजों को टटोल लेता है, और रब मेरे ही अंदर है, मैं टटोल नहीं पे सकता। हाय क्या गजब, क्या गजब, आचा मां कर दे बर खुद, हेक ना दीना ना कर, दर्मी आने साहब खूब गुम कर दे साहिब खाना रह, कोई अंदर रहने वाले मालिक को मैं गुम किए फिरता हूं, मुझे मिलता नहीं, जबकि अन्ना वो भी अपने द्वारा रखी गई चीजों को वो भी टटोल लेता है, रख लेता,
जो मैंने अपने साथ किया है अन्ना भी अपने साथ ऐसा नहीं करता, और मैं गुगु बना हुआ हूँ। शाबाश शाबाश शाबाश, कमान, इतने निकटतम और प्रियतम मेरे भगवान, क्यों नहीं बस कारण ये मल विक्षेप अवर्ण ये जाए कैसे, भगवान बता रहे गए तू कर्म कर्म के लिए कर, तो कर्म मेरे प्यार में भर के कर, न मल रहेगा न विक्षेप रहेगा न अवर्ण रहेगा। हाय धुआं दूर हो जाए तो अग्नि नजर आए को उड़ा दीजिएगा, डस्ट डस्ट से दूर कीजिए, रिमूव दी डस्ट एंड दी रिफ्लेक्शन इज देयर, रिमूव दी लेयर एंड दी अवेयरनेस, रिमूव दी लेयर एंड दी इंटेलेक्ट इज देयर। कितना गजब, जिसके मल विक्षेप अवरण दूर होने जा रहे हैं, हाँ वो कैसे होंगे, बस एक ही बात भगवान का, मुझे आसरा मुझ पे रखे मदा, वो रहमत में मेरी समा जाए, वो भगवान की फुल कृपा का अधिकारी बनेगा। फुल कृपा दुनिया वाले उल्टी है, वो कहते हैं भगवान की बड़ी कृपा हो, दादियों सुनते आ रहे, दादा जी भी बोला करते थे, दुध पुत्र जिस दे घर आए रब दी कृपा है, जिसके घर में दुध पुत्र हो रब दी कृपा है, आय 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 आय। पर भगवान कह रहे गलत, दुध पुत्र घर में हो निज न हो, पर भगवान की कृपा तब है जब अंतःकरण टिका हुआ हो, अंतःकरण प्रशांत हो, अंतःकरण मालिक के निकट जा रहा हो, देन एंड देन पॉसिबल दैट क्या क्या हम लोग, हमारे पर भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान बड़े कॉम्पेशनेट है, भगवान बड़े ग्रेशियस है। ये याद रखना, अपने घर पर दूर कर लो, भगवान की फुल कृपा हो जाने के बाद ना मर रहता है ना अवर रहते हैं ना विक्षेपता रहती है, यानी बस इंप्रेशन नो मोर, हाय वेवरिंग नो मोर एंड लेयर नो मोर, इंप्रेशन वेवरिंग एंड लेयर्स, इनके कारण से जीव ना लोक का रहता है ना परलोक का रहता है, पर जब भगवान का सारे तत्व बन जाते हैं, रहमत में मेरी समाज आएगा, सकूंगो बका मुझसे, वो भगवान का पूरा दीदार पा लेता है, और सदा रहने वाली शांति फिर मिली क्या मिली, भगवान के दीदार में भगवान की शांति है, याद रखना। ये ना कहना कि दीदार बाद में होगा, शांति पहले मिलेगी, वाह 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 वाह। ये ना कहना कि रस जी पर पहले आएगा, शायद मैं बाद में रखूंगी, वो शायद के साथ ही रस आता है, मिठास का रस जो ही अपने शायद को जबान पे रखा, इस तरह आनंद जब भी अपने भगवान को जी भर के देखने लगे तो साथ ही मन झूमने लगा, साथ ही मन उबाले खाने लगा, साथ ही मन झूमत झूमत होने लगा, आपे से बाहर होने लगा, भगवान के दर्शन में उसे तरके लज्जत की लज्जत मिले, जिसे दीदे बारी की दौलत मिले, जहां उसमें जमने से आ जाए सुख, जुम्बश न दे उसको दुनिया का दुख, या जब जीव जम जाता है बस आनंद, दर्शन और आनंद दो नहीं है, ये साथ ही साथ है, जो ही दर्शन तो ही आनंद, वो करके तो मेरे दर्शन और आनंद को प्राप्त करने तक, जब फुल कृपा होगी, फुल कृपा कब हुई, जब सब कर्म किए भगवान का सहारा लिख लो, इतनी सी बात, और निकी जाई गल दी कहानी बन गई, और निकी जाई गल दी कहानी बन गई, और कल वाली मुन्नी देखो रानी बन गई, और निकी जाई गल दी कहानी बन गई। बात इतनी सी है, इतनी सी बात बताया भी नहीं गया, हमें समझाया भी नहीं गया, कर्म तो हमने किए लेकिन सिर में मिट्टियां पा के कर्म किए, कोले और राख अंगारे डाल के कर्म किए, वासनाएं कामनाएं इच्छाएं राग द्वेष में भर के कर्म किए, अब मालिक के प्यार के भर के कर रहे गए, हजूर के प्यार को, हजूर की भक्ति को, हजूर की मोहब्बत को, परलोक के भाव को, महाराज जी के महामंत्र को लेकर के जुट रहे हैं, उन लबों पे उनका प्यारा प्यारा नाम लेके जुट रहे हैं, लग रहे हैं उन्हीं के लिए अपने आप जुटा रहे हैं, हाय हाय। छुपाने की तो बहुत कोशिश करते हैं पर क्या करें, जहां कोई रब का प्यारा मिल जाता है, जहां भी भगवान की वाणी सुनने का मौका मिलता है, मन बस बलियों छलता है, मन आप से बाहर होता है, इसलिए तो कहा जाता है इश्क और मुश्क छुपाया नहीं हो छिप दे, इश्क और मुश्क, कोई कहे कि मैं गंध को छिपा दूं या सुगंधी छिप जाए, कहां छिपेगी सुगंधी, और आपका किसी साथ प्यार हो छिप जाएगा, कभी हो ही नहीं सकता। आय है कबीर जी कहा करते थे, कबीरा ये कैसे छुपे ये रुई लपेटी आग, रुई के अंदर किसी ने आग को छिपाया, अंगारी को छिप जाएगी, बंबड़ भड़केगा, हाय वो बंबड़ भड़केगा, बाबा बंबड़ भड़केगा, बाबा बंबड़ भड़केगा, वो अग्नि तो प्रदीप तो जाएगी। कहे कबीर कैसे छुपे ये रुई लपेटी आग, महापुरुष को बोल देखो, ओ भगवती रुई लपेटी आग, अगर आप गंध को छिपा भी ले सुगंधी को नहीं छिपेगी, किससे प्यार आपका लाख छिपाती रहो नहीं छिपेगी, हाय आहे न भरी शिकवे न किए, कुछ भी ना दबा से काम लिया, इस पर भी मोहब्बत छिप न सकी, जब तेरा किसी ने नाम लिया।
जब मालिक की बात सुनने को मिल जाए सही, कहीं उनका चल पड़े सही, हाँ बस मन बलियों चलता है। वापस में करती है पुर नूर दिल, मेरे जिक्र से शादो मसरूर दिल। बकअप बकअप बकअप, इस तरीके से क्या होता है, पूरी मोहब्बत जाग उठती है, पूरी भक्ति मन में जागृत हो जाती है, अजी कमन मालिक की ओर और झुकता है और झुकता है और झुकता है और झुकता है और झुकता है, है। ये मन और बलियां लेता है और बलियां लेता है और करता है शाबाश 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 शाबाश, बहुत अच्छे रहे। सारी बात तो मन करके है ना, तन काम में मन रहे ध्यान में तो पल भी न गुजरेगी अस्यान में। तन भगवान की ये फिलॉसफी है, तन द्वारा काम हो रही है लेकिन मन महाराज जी में, तन काम में मन रहे ध्यान में, आह आह आह, तन काम में मन रहे ध्यान में तो पल भी न गुजरेगी अस्यान में। तन द्वारा वो काम कर रहा है मगर आसरा मुझ पे रखे मदाम, मन में सारा अपने भगवान का है, आह आह आह, बहुत अच्छे पूरा अरे बहुत अच्छे। अन्न से रोटी से ताली भरी, वारे वाह सूझबूझ देखो जरा, रोटी से थाली भरी और पानी भरा गिलास, वो तन मेरा यारा कहीं रहे पर मन मेरा तेरे पास। वाह, थाली में रोटी भरी पानी भरा गिलास, तन मेरा कहीं रहे मन मेरा तेरे पास। तन का रोज बस कहीं भी रहे, कर्म तो कुछ भी करता रहे, करे जिस कदर उसके लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे रखे मदा। वो भगवान महाराज जी का सहारा लेते हुए, हजूर का सहारा लेते हुए, तन द्वारा कुछ भी होता रहे पर मन तो तेरे पास है। ये मन द्वारा तरीका, ये टेक्निक सीख लीजिए, ये भी एक कला है, बाखुशी जीने की कला। तन द्वारा काम हो रही है, मन में भगवान का सिमरन है, मन में भगवान का सहारा। ऐसे व्यक्ति को भी ना कोई चिंता है, ना फिकर है, ना वरी है, ना मिजरी है, ना विक्षेपता है, ना नफा है, ना नुकसान है, ऐसी के चेहरे पर जलाल ही जलाल है, ऐसे के चेहरे पर रौनक है, प्रसन्नता है, गदगद हुए जा रहा है, बिल्कुल ही गदगद, परवाही कोई नहीं, यू हो जा यू हो जा, अपना प्रसाद कर रहे गए, बस रब 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 ते बाकी सारा यब, रब 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 ते बाकी सारा यब। वो सब बखेड़ा समझते हुए अपने परमात्मा में लगे हुए है, उनके लिए परमात्मा कह रहे, उनके लिए हमारे सरताज गीता के 18वें अध्याय के माध्यम से या मीडियम से फरमाए गए, करे जिस कदर, करे जिस कदर, करे जिस कदर उससे लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे रखे मदाम, वो रहमत में मेरी, वो दया में मेरी समा जाएगा, सकूंगो बका मुझसे पा जाए, सदा रहने वाली शांति का भागी बन जाता, सदा रहने वाली शांति की वो अधिकारी बन जाती है। कौन जिसमें भगवान की फुल कृपा हुई, फुल कृपा किस पर, जो कर्म कर रहा है भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के प्रेम में जख्मी होकर कर्म कर रहा है, हाय भगवान के प्रेम में भर के कर्म कर रहा है, जैसे घरवाली घरवाले के प्रेम में भर के बुहारी दे रही है, कपड़े धो रही है, नाना प्रकार के कर्म करती है, लेकिन मन उसका जिसकी नवेली अभी भी जिसकी शादी हुई है, मन अपना लगा हुआ है श्रीमान जी के अंदर, रब दे प्यारे दा मन अपने मालिक में लगा हुआ है, चाहे बाहरी रूप में कुछ भी नजर आए, किसी तरह नजर आए, चाहे वो सदना कसाई की तरह मांस बेच रहा हो, वो रब ने ये नहीं देखना मेरे सजनों के मांस बेच रहा है, हाय रब ने ये देखना इसका मन कहा है, कबीर जी की तरह चाहे कपड़े बोल रहा हो पर मन कहा है, रविदास जी की तरह जुतियां गांठ रहा हो पर मन कहा है, वो नाई की तरह आय 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 है, वो सजने जो है कसाई की तरह और उधर नाई की तरह, हाँ क्या चरण दबा रहा हूं राजा के, लेकिन मन कहा है, आय हाय आह आह मन कहा है, बात तो मन की है, मन कहा है, कुछ भी गोपियां कुछ भी कर रही हो लेकिन उनका मन कहा है, वेयर द मेन पॉइंट, वेयर द माइंड इज, नॉट वेयर द बॉडी इज, वो पिकअप कर लीजिएगा, नो क्वेश्चन ऑफ बॉडी, वेयर द क्वेश्चन ऑफ माइंड, हमारा मन कहा है। फिर कहना चाहता हूं कबीर जी जुलाए थे कपड़े मुंडे थे, मन कहा है, हाँ रविदास जुतियां गांठते हैं, मन कहा है, शाबाश सदरा कसाई जिसको हम गलानी आती है, मांस बेच रहा है कीमा करके, पर मन कहा है, शाबाश शाबाश शाबाश, उसका मन कहा है, बात तो मन की है ना, तन काम में मन रहे ध्यान में, मीरा पर क्या कहनी आपसे की गई पर मन कहा है, फिलहाल का मन कहा है,
फलां से क्या क्या नहीं किया गया, क्या क्या नहीं करवाया गया, पर उसका मन कहां गए? बात तो मन करके गए, लगाई थी लौ जिससे हासिल हो वो। तन तो हमारे वश की बात नहीं है, तन तो प्रारब्ध के अधीन है, तन तो प्रारब्ध के अधीन है, लेकिन मन हमारे अधीन। मन को हम गिरधर गोपाल के चरणों में रख सकती हैं, मन को अपने श्याम सुंदर भगवान कृष्ण को सौंप सकती हैं। तन तो प्रारब्ध के अधीन ही, पहले बनी प्रारब्ध और पाछे बना शरीर। शरीर तो बाद में बनता रहता है, प्रारब्ध इसकी पहले मुकर हो चुकी है। तो जब तक प्रारब्ध खत्म नहीं होती, हमारा तन तो उसी के अधीन, और तन गिरेगा भी नहीं जब तक इसकी प्रारब्ध संपूर्ण नहीं हो जाती। तो बात तो ये देखनी है कि मन कहां है। तो जो इसलिए करे जिस कदर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे। मन करके मालिक के साथ, मन करके मालिक के साथ, तन करके वी में भी, एनी व्या एनी व्या बॉडीली वी में एनी व्या, लेकिन माइंड मालिक के संग, मन के साथ। ये जो गाते जा रही है सूरदास जी, नैनहीन को क्षमा करना, बिल्वा मंगल गाता जा रहा है आंखें फोड़ करके। जब गरम गरम सलाइयां अपनी आंखों में चुभा ली और आंखें अंधा हो गया, तो जा रही है वृंदावन की ओर, लाठी उसकी है, लेकिन वृक्ष साथ लग के माथे दो बार फूट भी गया, खून की धारियां चल भी रही हैं, और बोले भी जा रही है, नैन इनको राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं तेरी नगरिया की, कठिन नगरिया चलत चलत गिर। जब टक्कर दो बार खा चुके, उसके बाद शाम जी प्रकट हो गए। बाबा, बड़ी मीठी बोली, बाबा कौन? मैं गवाला हूं या गैया चरा रहा था। हाँ, तुम कहा जाकर आगे तो खाई है, अपनी लाठी पकड़ाओ। लाठी पकड़ ली, अब लाठी पकड़ी, जुम्बा चाड़ लग गया अंदर। ये सिर्फ लाठी का चारा लिया, तू कुछ और ही? काका तुम कौन हो? मैं गवाला हूँ। गवाले हो? हाँ। सुना दी चलाकी से, चलाकी से हाथ अपना पीछे पीछे करके उनके हाथ के हाथ साथ मिला लिया। और पकड़ी, तुम कौन हो? मुझे खुशी आ रही है, प्रसन्नता हो रही है, पता तुम कौन हो? बाबा मेरे हाथ छोड़ो, मैंने अपनी गैया भागी जा रही है, गैया को नहीं छोड़ो, जोर का झटका मारा। और बाबा यही यही पगडंडी जा रही, इसी पर चलते जाना, मैं जा रहा हूँ। उस वक्त जो बिल्वा मंगल बोलता है, अगर आप मेरे से सुन ले चले छुट्टी, क्या बिल्वा मंगल कमाल क्या करता है, बाढ़ छुड़ाए जात हूँ निर्बल जान के मुहे, मैं निर्बल हूँ, अंधा हूँ, मुथाज हूँ ना, अन्ना हूँ ना, बाढ़ छुड़ाए जात हूँ निर्बल कमजोर जान के, हृदय सब निकलोगे मर्द समझूंगी तो। जब मेरे मन से निकल जाना, तब मैं तुम्हें कहूँ तुम बहादुर हो मैं कमजोर, मेरे मन से निकल के दिखाओ। मां छुड़ाया जाता हूं निर्बल जान के मोहे, हृदय से जब निकलोगे मर्द समझूंगी तो। मैं समझूंगा अगर तुम बड़े बहादुर शूरवीर हो, मेरे मन से निकलो। तत्काल भगवान ने आंखें भी दे दी, प्रकट भी हो गए। बस मैंने तो यही देखना था बिल्वा मंगल, कि मन करके तुम कहां हो, पूरा रूपेण तुम मेरे सारा लेके जा रहे हो। वृंदावन तो आएगा, जब आएगा वृंदावन, जिसके कारण से वृंदावन है, वो तेरे सामने खड़ा। वहां छुड़ाए जात हूं निर्बल जान के मोहे, हृदय से जब जाओगे हाँ मर्द समझूंगी तो, मर्द कहूंगा तो, तब मैं तुम्हें मर्द कहूंगा, तब मैं तुम्हें मर्द पुकारूंगा कि तुम मर्द हो, तो बड़े मर्द समझूंगा तो। तुम मुझे निर्बल समझती हो ना, निर्बल समझ लो, और छुड़ाए जा रहे हो, लेकिन हृदय से निकल के दिखाओ। बस बिल्वा मंगल में बहुत प्रसन्न हुआ, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुम मेरा प्यार मेरी भक्ति भाव अपने मन में रखते हो, मगर वो जो पूजे बात सिद्ध को यकीन, वो मुझ में है और मैं हूं उनमें। भगवान वाच, वो बात सिद्ध को यकीन, बड़े प्यार और मोहब्बत से जो मेरे सिमरन में और मेरे प्यार में रहती है, वो मुझ में है, मैं हूं उनमें मकीन। और हजूर का पाठ क्या हो रहा है, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे रखे मदा। हार्दिक धन्यवाद।